और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आप जानते हैं कि केंद्र के खिलाफ विपक्ष का तिरंगा मार्च निकल रहा है। संसद से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक विपक्ष ने ये मार्च निकालने की प्लानिंग बनाई है और कुछ तस्वीरें आई हैं सामने। ये देखिए, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि आज बजट सेशन का जो दूसरा भाग था उसका आखिरी दिन है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है। संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा और जब वहां बात नहीं बनी तो सड़क पर आप देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं और तिरंगा मार्च संसद से शुरू हुआ है तिरंगा मार्च और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक पहुंचेगा। सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है और तमाम विपक्षी सांसद एक साथ एक सुर में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं कि सरकार बोलने नहीं देती है और कुछ अहम मुद्दों पर जवाब देने से बचती है। अपमान और अडानी की लड़ाई में पूरा जो बजट सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया है और आज जबकि आखिरी दिन है उसके बाद ये मार्च विपक्ष की तरफ से निकाला जा रहा है। 24 के लिए ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है। बीजेपी ने लगातार कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। तो विपक्ष का कहना है कि ये सब मुद्दे बेवजह बनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से ताकि अडानी मामले पर उनको जवाब न देना पड़े। लेकिन इन सब मामलों ने, राहुल गांधी की सदस्यता ने विपक्ष को एक साथ कर दिया है। लेकिन क्या ये साथ 24 के लिए है या अभी के लिए है, ये आने वाला वक्त तय कर देगा। लेकिन अभी लाइव तस्वीरें संसद भवन से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक विपक्ष का जो तिरंगा मार्च है, हाथों में तिरंगा तमाम सांसदों के आपको दिखाई दे रहा है और पैदल मार्च निकाला जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ है। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया, उसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सभी एकजुट हो गए हैं जितने भी करप्ट लोग हैं, लेकिन इन सबसे बात बनेगी नहीं क्योंकि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बीजेपी ने सरकार ने शुरू की है उसको खत्म करके ही दम लेंगे। आज पीएम ने कहा कि जिस तरीके से हनुमान जी राक्षसों का सामना कर रहे थे तब उन्हें कठोर होना पड़ा, ऐसे ही बीजेपी भी कठोर हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जेपीसी की मांग विपक्ष की तरफ से लगातार होती रही लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ हंगामे के अलावा। उधर से बीजेपी कहती रही कि राहुल गांधी को सदन में माफी मांगनी होगी। जब गोडसे की विचारधारा की सरकार बैठी हो और पहली बार देश के इतिहास में वो किसी भी, ये तो देखा लोगों ने कि विपक्ष के लोग व्यवधान पैदा करते हैं, लेकिन पहली बार है कि सत्ता पक्ष ने 13 मार्च से आज तक जब कभी बोलने की कोशिश की एलओपी ने या विपक्ष में किसी ने, बलपूर्वक वहां से शोर शुरू हो जाता है। मंत्री से लेकर उनके साधारण सदस्य तक सब लोग शोर मचा के व्यवधान करते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है किस लिए? भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए, क्योंकि लूटने वाला अगर गुनाहगार है अडानी तो लुटवाने वाली सरकार भी गुनाहगार है। स्थापना दिवस है आज, आप लोग तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं। हाँ, भाजपा को है शायद बुद्धि आ जाए, सदबुद्धि आ जाए, गोडसे का रास्ता छोड़ के गांधी का अपना ले अगर वो, तो मैं समझता हूँ इसीलिए तिरंगा यात्रा। कुछ कारगर साबित हुआ है? देखिए, जनता के दरबार में हम सारे तथ्य सामने रख रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिले। तो जनता के दरबार में जाने की उम्मीद है और वहां से न्याय मिलेगा, ये विपक्ष ऐसा सोचता है। लेकिन जितने भी अभी तक प्रोटेस्ट हुए हैं संसद से सड़क तक उसका कोई असर नहीं हुआ है, मात्र तकरार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। इस तिरंगा मार्च का क्या असर होगा ये देखना होगा, लेकिन संसद भवन से लेकर विजय चौक तक ये तिरंगा मार्च आप देख रहे हैं और कांग्रेस समेत बताया जा रहा है कि 11 विपक्षी पार्टियाँ इस तिरंगा मार्च का हिस्सा हैं, सांसद इसमें शामिल हुए हैं।
सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या नारेबाजी हो रही है। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। रमन, अब इतनी सारी कोशिशें हुई विपक्ष की तरफ से, पहली बार नहीं है गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष एकजुट हुआ, इससे पहले भी पैदल मार्च निकाला गया, संसद में भी काफ़ी हंगामा होता रहा, लेकिन बात बनी नहीं। अब इस तिरंगा मार्च के जरिए विपक्ष क्या साबित करना चाहता है? देखिए, तिरंगा मार्च के जरिए साबित करना चाहता है कि जिस तरीके से सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश हुई और संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी गई, बजट सत्र का पहला भाग हो या बजट सत्र का दूसरा भाग हो, संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। उसके बाद आज चूंकि आखिरी दिन है, आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी सहित एक मिनट रमन, मैं आपको रोक रही हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे सेशन पूरा खत्म क्यों हुआ सर? बीजेपी ये कह रही है कि ये भ्रष्टाचारी विरोध कर रहे हैं। रमन, अब आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। संसद जो है करीब 19 राजनीतिक दलों के सांसद संसद भवन से लेकर विजय चौक तक उन्होंने तिरंगा मार्च शुरू करने का फैसला किया और विपक्ष के सांसदों को ऐसा लग रहा था कि सरकार पर इस बात को लेकर एक दबाव बनेगा, क्योंकि आज संसद का आखिरी दिन है, आज कोई काम काज नहीं हो पाया, हंगामा भी विपक्ष की तरफ से नहीं हुआ और इस तिरंगा मार्च के जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश सरकार को कर विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इस मांग को छोड़ा नहीं जाएगा, इस मांग को आगे रखा जाएगा। रमन, और दल कहाँ है? इसमें बताया जा रहा है कि मात्र 11 दल ही शामिल हैं। नहीं, देखिए कि जैसा कि केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि 19 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं इसमें और 19 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं और कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं और कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार हैं, उनकी तरफ से ये बयान आना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी को तमाम विपक्षी दलों को साथ लाने में कामयाबी हासिल हुई है। ठीक है रमन, शुक्रिया जानकारी के लिए। Of weeks disrupted by the treasury benches, which has never happened in the history of our parliament. Thereafter, with Rahul Gandhi's disqualification, the opposition also rose. The net result is we've had no debate, no discussion, no progress. We've had a situation where 45 lakh crores of taxpayers' money has been approved on the finance bill without a single minute's discussion. This is not the way parliamentary democracy is supposed to function. And therefore, the objective here has been to show the flag, literally, and to say let's protect and safeguard our democracy, the future of our country depends on it. तो विपक्ष का ये तिरंगा मार्च है, लाइव कवरेज न्यूज 24 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। जेपीसी के मुद्दे पर सरकार का घेराव किया जा रहा है और हंगामे के चलते आप देख रहे हैं कि 13 मार्च से ये बजट का दूसरा सेशन शुरू हुआ, एक भी दिन इसका असर नहीं हुआ, ना कोई काम हो पाया, जनता से जुड़े जो मुद्दे थे उन पर बात होनी थी, उन पर चर्चा होनी थी, कुछ अहम बिल थे वो पास होने थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।